वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. हाँ तो नाज़रीन, आतिफ असलम वैंकूवर आ रहे हैं। CNY देसी द एंटरटेनमेंट फैक्ट्री प्रेजेंट्स आतिफ असलम इज 20 इयर्स ऑफ मेलोडियस करियर is coming to show up here in Vancouver at Pacific Coliseum. Tarikh yaad rakhiyega, 21st of October, 8 baje Pacific Coliseum, aana na bhuliyega. Ye nazreen Vancouver mein, Vancouver Canada mein Aatif Aslam aa rahe hain. आतिफ असलम अपने फन का मुजाहरा करने के लिए वैंकूवर आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। पैसिफिक कोलिसियम में अपने 20 साल की गायकी सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। आप इन्हें देखना ना भूलिए, सुनना ना भूलिए, अपने कैलेंडर पर मार्क कीजिए और टिकट्स के लिए कॉल कीजिए 888-396-0005। वंस अगेन 888-396-0005। आतिफ असलम इन कंसर्ट इन वैंकूवर पैसिफिक कॉलिसियम अक्टूबर 21st। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद। आज सोगी के खिलाफ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अजमल सिंह के ऑफिस के सामने, इतना बड़ा क्राउड जिसने यहाँ पे कॉल कर दिया है किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, और वो अपना एक ही मतलब चाहते हैं, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन चाहते हैं, और उनका नारा यही है कि हैंड्स ऑफ माय किड्स। और हमारे किड्स को ये थोड़ा सा नंबर है इन लोगों का जो उधर खड़े हैं, वो भी लग रहा है कि वो गवर्नमेंट के पेरोल के लोग हैं, जो जिन्होंने आज छुट्टी की होगी या नहीं की होगी, लेकिन बहुत छोटा नंबर है उन लोगों का और वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 2 से 3 हज़ार और फिर इसके बाद 5 हज़ार तक के लोग काउंट किए जा सकते हैं। अब लोग जो हैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा चुके हैं। बिग प्रेजेंस ऑफ RCMP केम हियर, और ख़ासतौर पे रिचमंड से भी इन्फोर्समेंट मंगवाई गई है, और सिर्फ उनको उनकी प्रॉपर्टी में खड़े होने का तो हक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की साइड वॉक है वहाँ पे भी, और या घास पे भी, घास से दूर खड़ा होने को कह रहे हैं बार बार। ये बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ पे इतना बड़ा क्राउड जो निकला है वो कनेडियन का क्राउड निकला है। खास बात ये है कि इनके पास कनेडियन फ्लैग भी नहीं है, जो लोग सोजी को सपोर्ट कर रहे हैं दे डोंट हैव अ फ्लैग इवन, और कनेडियन फ्लैग जो है वो बेइंतहा यहाँ पे कनेडियन फ्लैग है, और जो यूनिटी शो करते हैं कनेडियंस की, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उन्हें कोई ऐसी गैर इखलाकी तालीम ना दी जाए जो उनकी एज के मुताबिक ना हो, क्योंकि जैसे ड्राइविंग में 16 साल की उम्र है और ड्रिंकिंग की 18 साल की है, सिगरेट पीने की 18 साल की लिमिट है, तो क्यों नहीं गैम्बलिंग की भी 18 साल की उम्र है, तो क्यों नहीं हमारे बच्चों को भी ये लिमिट 18 साल और उसके बाद की दी जाए। व्हाई दे आर ट्राइंग टू टीच द किड, ये ड्रग्स और ये सेक्सुअलाइजेशन ये गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, और इनके कंट्रोल की वजह से सोसाइटी जो है उसकी फैब्रिक जो है वो तार तार हो रही है, और वो फैब्रिक जो है वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो हमारा यही मैसेज है दिल अपना पाकिस्तान का, सारे कैनेडियन के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए, वो अपने अपने इलाकों में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें एक ऐसी सोच से
जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। सोच देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू, हम सपोर्ट करते हैं आपको जी। नाजरीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल फाउंडेशन का एक फंड रेजर हो रहा है और दिल अपना पाकिस्तान इसकी कवरेज करेगा, तो इस आपको अंदर का हाल भी हम दिखाएंगे और इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, वहाँ का हालात देखते हैं। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। I want to first acknowledge the Coast Salish peoples, including the Semiamu, the Akatsi, the Kwikitlam, the Kwantlen, the Kakait, and the Tsawwassen First Nations on whose traditional territory we are on today. Assalamualaikum. शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस प्रोग्राम में, दिल अपना पाकिस्तान के प्रोग्राम में हम आपको ले रहे हैं। आप कोई पैगाम उम्मत के लिए देना चाहेंगे? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा सालाना ग्रैंड मिलाद का प्रोग्राम 29 सितंबर इंशाल्लाह सरी में हो रहा है, रिवर साइड सिग्नेचर हॉल के अंदर, और हम तमाम अपनी कम्युनिटी को दावत देते हैं कि उस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शिरकत करें और उसमें शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये हमारा 12वां साल है, इस 12th years doing the annual celebration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah and all the community, तमाम लोग हर किस्म के बैकग्राउंड से उसमें हम सबको दावत देते हैं, तमाम जितने भी हैं इंशाल्लाह, और हम अपने दिल से खुश आमदेद करते हैं, और ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में शिरकत करना सब के लिए बायस नेमत और बायस बरकत है। आमीन, शुक्रिया। आई विल सी एवरीबॉडी देयर इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज यहाँ पे सरे में, सरे डेल्टा के बॉर्डर पे मेरे ब्लॉग के नाम से एक फ्रेंचाइज जो है उसकी ओनरशिप मुमताज़ साहब ने ली है, अब्दुल गयूम साहब ने ली है, और हमारे साथ रियल्टर जो है ओवैस हैं, ओवैस सिद्दीकी जो है ये इस डील करने के वो हैं पीछे, मेरी लिस्टिंग है और इन्होंने काम किया है माशाल्लाह। तो अब मैं चाहूँगा कि मुमताज़ साहब आपको मैसेज दे दें कम्युनिटी को। मेरी कम्युनिटी को यही मैसेज है कि सब लोग हेल्प करें, ताकि हमारी कम्युनिटी में नया बिजनेस आया है जो कि हलाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर बंदे को हलाल खिलाएंगे, और अगर सब लोग हमारी भी सपोर्ट करेंगे तो सब अच्छा होगा, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें बिजनेस में। बिल्कुल जी, ये नाज़रीन ये एक कम्युनिटी का एक ऐसा बिजनेस है कि आपको हलाल खाना है तो आपको यहाँ पे ये बहुत आसानी से ये फूड जो है अभी अवेलेबल होगी। ये हमारे जो अवैध सिद्दीकी साहब हैं ये कुछ कहना चाहते हैं जी, आप बताइएगा। अच्छा, मैं कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दूसरी कम्युनिटीज बहुत बिजनेस ले लेके ग्रो हो गई हैं, तो हम लोगों को भी ऐसे ही करना है इंशाल्लाह, और आई डू ओनली कमर्शियल। आप लोगों को जो भी होटल, गैस स्टेशन, मोटल, इस तरह के फ्रेंचाइज स्टोर, बड़ी बड़ी जो जितनी भी आपकी छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है, आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। और ये देखें, ये डील मैंने करवाई है, मेरी लिस्टिंग थी, माशाल्लाह ये लोग बहुत हैप्पी हैं, ऑलरेडी वेरी बिजी। आप लोग आए यहाँ पे, इनको सपोर्ट करें इस बिजनेस को, हम लोग मस्जिद के भी बहुत करीब है, नमाज पढ़े यहाँ आए इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, अच्छी बैठने की जगह है, बहुत कन्वीनियंट है, और ये जो स्कॉटसडेल मॉल है इसके बिल्कुल अपोजिट लंदन ड्रग वाली प्लाजे में, मेरी ग्राउंड पे जरूर रहिए। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जान जान दिल अपना पाकिस्तान।
अच्छा जी, आपकी पसंदीदा शख्सियत है जो आज मैं यहाँ आई है, तो मैंने कहा भाई रीमा जी से कि आप जरा उसको बुलाएं। इसमें रीमा जी, मैं एक होस्ट हूँ और ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी डिजाइनर साइमन चौधरी। साइमन चौधरी जी एक ऐसी डिजाइनर है कि जिनको देखने के बाद, चाहे वो एच एस साई हो, आदू मनान हो, या जितने भी हमारे पाकिस्तान के परवानी हो, सारी के भी परवानी, उन्होंने कहा कि ऐसी डिजाइनर को क्या नाम नॉमिन सारी लोगों को अंग्रेजी बोल के इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, इधर तो बच्चा बच्चा कुत्ता कुत्ता इंग्लिश बोल रहा है। साइमन जी, मैं तो आपको वार्म वेलकम करना चाह रही हूँ मेरी शान में। शान? हाँ, ये शान मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं उसकी बड़ी फैन, वो मेरा बड़ा फैन है। शान है तो मैं ना, नहीं मैं, मेरा मतलब था कि मैं उसकी फैन हूँ, सबके जाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने सुल्तान भाई ने नासा पकड़ा ना, उस वक्त से मैं जरा पहले तो ना थी, फिर मैं बस दिल ही टूट गया मेरा जब उसको मैंने नासा मारते हुए देखा। अपने याशी नहीं थी पाकिस्तान में, इतने आके तो कूड़ा भी अंग्रेजी सुटना पैदा है, तो डिस्पोजेबल, तो रिसाइकल, तो एक्सचेंज मार्केट, मतलब अंग्रेजी में कूड़ा भी नहीं, मतलब उर्दू में कूड़ा भी नहीं बंदा देख सकता है। ये आप मुझे सब कुछ बता रही हैं बेसिकली, तो मुझे आपका इंटरव्यू करना शर्मा जी। अच्छा चलिए, आप ये इंटरव्यू पूछ रहे हैं, पूछ रहे पूछ रहे पूछ रहे, तो आपने पूछा। अच्छा, आप इतनी दूर आई है कैनेडा में और वो भी वैंकूवर में, तो आप बताए तो क्या है? इतनी बड़ी हीरोइन को मैं फिर ले नहीं कह सकती, रीमा जी कोई अलग बात है, कोई पाकिस्तानी लड़की, वो भी शरीफ लड़की, फैसला बाकी भला कपड़ों का गैस सफर करती है ना। मेरा मतलब है कि आप यहाँ पर आई हैं तो आप डेफिनेटली अपने डिजाइनर्स कपड़े लेकर आई होंगी और उसकी एग्जीबिशन भी होगी। हाँ, तो वो तो मैं भर के लाई थी बक्सा जी, तो सारे कपड़े मिले क्योंकि खरीदी तो कपड़ों का एग्जीबिशन का मतलब है डिनर अंतर अंग्रेजी आगे तक एग्जीबिशन का मतलब आना होता है, तर्जुमा आता है एग्जीबिशन का जी जी, कपड़ों की नुमाइश, अगर कपड़ों की नुमाइश होती है कपड़ों की बकाइश नहीं होती। मैंने अपने कपड़े दिखा के तो वापस रख लिया, मैं तो अपना दुपट्टा भी ना किसी को, नो बकाइश, ओनली नुमाइश। मुझे लगता है कि आप इतनी दूर अकेली आई है, कितना अच्छा होता अगर आप चौधरी साहब को साथ ही लेते। जय सोनी बड़ी है, मैं तो करेगी अपने मान से बताए, जो फाइव स्टार होटल में हम जाती हैं तो अपने साथ लंच बॉक्स में मूली आलू पराठे लेके गई है। हाँ भाई, मैंने वो लोग का लेके आना था हमारे फिर दी रहे दो। जी, बहुत
प्यार दा आया मौसम
अग बल दे जावे मैनू समझ नावे पूरा हाल होया दिल बेमार दा आया मौसम तेरे मेरी मिलती तेरे मेरी मिलती प्यार दा आया मौसम किस्सा और अगर वहां पर भी आप
फेल हो गई तो नहीं, उस वक्त मैं पूरी जनरेटर पे चल रही होंगी। किसी ने पूछा कि बिजली की कुर्सी कैसी होती है, तो बिजली क्या कह रही है, अल्लाह जाने कैसी होती है, आज तक जो भी उस पर बैठा बात ने बता नहीं सका कि कैसी होती है। ये वो बस चीजें हैं, लेकिन अब हम पहले हम इनमें सिर्फ हंसते थे, अब हमें हंसी नहीं आती है तो मैं रोना भी नहीं आता, पता नहीं क्या क्या से क्या होने वाला है। यकीन कीजिए आप लोग को एंटरटेनमेंट तो हम लोग मिल भी रही है आपको, हम आपको एंटरटेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये जिस तरह के हालात में यहाँ पर आए, यकीन कीजिए कि तभी मैं कहती हूँ कि जितने डोनर्स हैं आप लोग, बाकी खुदा के चुनिंदा लोग हैं आप लोग, जिस तरह से अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं इतनी दूर बैठ कर, जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं, उनके लिए खुद यहाँ पर मेहनत करके आप अपनी जरूरियात में से पैसा निकाल कर जिस तरह से उनको भेजते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में मैं खड़े होकर आप सबके लेकर ताली बजाऊंगी। अब ये सब हमारे प्यारे हम पता नहीं आए हैं, बल्कि हमारे सरदार भाई भी नजर आ रहे हैं। हेलो जी, किदा किदा दे तुसी आ रहे हो, थोनू पता हेलो है नहीं कौन तुसी आ रहे हो, थोनू नहीं पता की काम करती है मैं, देखा तुसी नहीं, तेरे दिन तो देखा होगा। हां नहीं नहीं बहुत अच्छा, तो मैं एक रोल कीता सी काफी साल पहले, बिलकिस कौर दा सिखनी हुई सी, और बड़ा पॉपुलर खासतौर से साढ़े सरदार भाई इंडियंस ने बहुत पसंद करते थे, वो जी मैं ढाबे वाली बड़ी सन जी ढाब ऐसा कि दावनी पंजाबी बोलती सी मैं। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, हम सब इसी उम्मीद पे सच बात है इतना लंबा सफर करके आते हैं, क्योंकि हमें वाकई आप लोगों पर भरोसा होता है, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं और खासतौर पर इंडस में जो कुछ काम हो रहा है, मैं तो कहती हूँ जब भी किसी का मौका लगे आप जरूर विजिट करके देखें, आपका दिल खुश हो जाता है, कुछ पाकिस्तान में अच्छा भी हो रहा है, सब कुछ बुरा नहीं हो रहा, कुछ कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ तो हम कम अपने आप को इत्मीनान दे सकते हैं, अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं और कुछ उसमें अपना हिस्सा ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, शुक्र है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान।